हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मशरूम की खेती के ऊपर। जी हां दोस्तों, ये जो वीडियो है मतलब किसी ने बोला नहीं है बनाने के लिए, लेकिन मेरे मन में भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस मशरूम की खेती के बारे में जानूं और इसको सही से पता कर पाऊं कि इसके अंदर कितनी लागत आती है। और बहुत से लोग बोलते हैं इसके अंदर मेरे को नुकसान हो गया, इसके अंदर मेरे को ये दिक्कतें आ गई। मतलब क्या ऐसी वो चीज़ है कि अभी भी कुछ लोग इसको कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो काम है वो बंद तो नहीं होने का नाम ले रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट है भी या नहीं भी, और किस तरीके से इसको किया जाता है, किस तरीके की इसमें कार्य प्रणाली रहती है, कितना खर्च इसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। और इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक दुर्जनपुर का गाँव है जहाँ पर एक भाई ने इसको यहाँ पर तैयार किया है, इस ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो चलिए फिर मिलते हैं उस भाई से। तो चलिए अंदर चलते हैं, वो भाई अंदर है तो उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? अजय सर। अजय, इन भाई का नाम अजय है जिन्होंने ये दुर्जनपुर के अंदर मशरूम का यहाँ पर ये प्लांट लगाया है। मशरूम खाए होंगे दोस्तों आपने, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। हाँ, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। तो बात करते हैं भाई से। सर, जो सबसे पहले जो मेरे अंदर एक दिमाग में जो सवाल घूमता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मशरूम की खेती के अंदर हमने जितने जिस भाई ने भी किया है उन्होंने बोला कि नुकसान ही हमने यहाँ पे इसके अंदर खाया है, तो क्या सच में इसके अंदर नुकसान होता है? नहीं सर, एक्चुअली जैसे स्टार्टिंग में आपको नुकसान हो सकता है अगर मान लो जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट इन केस मैं कह सकता हूँ भाई मार्जिन है इसमें। तो आपके जैसे ये नहीं कि मतलब बिजनेस बहुत सारे खेती के, अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो बहुत सारे बिजनेस हैं यहाँ पर, बहुत सारे आप और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी का आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया? सर हम ये सोच रहे थे कुछ यूनिक किया जाए जो सबके लिए एक अलग सा हो, और इस टाइम मेरे हिसाब से ये सबसे अलग बिजनेस है, यूनिक है और ट्रेंड में है। सर देखिए, मैंने अभी तक अंदर से देखा नहीं है कि मतलब ये कितना बड़ा आपने बनाया प्रोजेक्ट, लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली जाना तभी सही रहेगा जब क्वांटिटी अपने पास ज़्यादा हो। बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पर अब क्वांटिटी की बात करें तो आप कितना, जैसे जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कितना माल लेकर जाते हैं आप? ये सर दिल्ली की जैसे 3.5-4 क्विंटल हो जाती है। 3.5-4 क्विंटल डेली ये भाई दिल्ली के अंदर सप्लाई करते हैं। तो अगर इतनी क्वांटिटी है तो फिर तो दिल्ली जाने में कोई हर्ज नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर अब ये जो प्रोजेक्ट है आपने जो लगाया है, तो इसके ऊपर लगभग कितना खर्च है इसके ऊपर? सर 25 से 28 लाख। 25 से 28 लाख। पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो इसका टोटल खर्च 28 लाख रुपये इन भाई के लगे हैं, और उसके बाद ये 2 से 3 क्विंटल के आसपास यहाँ से जो उत्पादन करते हैं, तो खर्च तो देखिए दोस्तों ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके हिसाब से सर एक चीज़, जो मंडी के अंदर जो इसका रेट है वो कैसे रहता है? रेट सर डेली का अप डाउन रहता है, जैसे 150 प्लस ही रहता है, कई बार कम ज़्यादा तो भी हो जाता है, बट ज़्यादातर 150 प्लस ही रहता है। तो दोस्तों सबसे जो बड़ा रीज़न आज मेरे सामने आया है वो यही आया है कि अगर इसको क्वांटिटी के अंदर किया जाए, अगर इसको थोड़ा सा, वही बात है ना कि अगर आप किसी छोटे से जगह पे करते हैं तो आप एक तो उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, और अगर उत्पादन आपने कर भी लिया है तो फिर जितना उत्पादन आपका होगा या वो अच्छी फसल है तो आपको बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो किराए में ही आपका सब कुछ निकल जाता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से जो मेन पॉइंट है कि अगर इसको करना ही है तो थोड़े बड़े लेवल पर कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सर अब दिखाइए कि किस तरीके से आपने इसको उगाया है और किस तरीके की यहाँ पर फसल आपने उगाई। तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अंदर घुसा भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कूलिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कूलिंग है। मतलब एक बात तो साबित है कि एसी का खर्च तो बहुत दबा के आने वाला है। तो दोस्तों अंदर आ गए, जैसे कि मैंने बोला था बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे ख्याल भैया ये टेम्परेचर क्या होगा जी भाई यहाँ पे? अभी सर 15-16 के आसपास। 15-16 का टेम्परेचर रखना पड़ता है भाई, बिजली का तो यहाँ पे है ना बिल्कुल दबा के वाट लगने वाली है। तो दोस्तों अब मशरूम की बात करें,
तो यहाँ पर ये फिलहाल अभी फसल बिल्कुल रेडी है, और यहाँ से तो मेरे ख्याल से इसको तोड़ा गया अभी ना। बिल्कुल अभी रेडी, अभी कटिंग हुई है। तो अजय भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो ये आपने रैक है, ये किस पाइप का यहाँ पर यूज़ किया है? ये GI पाइप है सर। इसका बेनिफिट ये रहता है, फ्यूचर में जर वगैरह नहीं आता। अगर आप लोहे की पाइप इस्तेमाल करोगे तो जहाँ पे वेल्डिंग होगा वहाँ पे जर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का टेम्परेचर का ही खेल है सर। फिर जो ये रैक के ऊपर ये जो पोलथीन रखे जाते हैं, तो यहाँ से सीलन आती तो जंग का तो खतरा रहता ही है, तो GI पाइप ही यहाँ पर यूज़ होते हैं। लेकिन ये इन भाई ने जो एक अच्छा काम किया है कि जो इसके नीचे हैं वो यहाँ पर बैम्बू डाले गए हैं, और बैम्बू के ऊपर एक पतली सी जो प्लास्टिक की वायर है वो डाली गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि फ्रेंड्स पोलथीन को कभी साइड में नहीं रखा जाता है, पोलथीन को बीच में रखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर बीच में जंग का खतरा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर इन्होंने भाई ने बैम्बू का इस्तेमाल किया और यहाँ पर GI पाइप। तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखिए GI पाइप ही यूज़ करेंगे। और रही बात अब इसकी लेंथ की, भैया इसकी लेंथ कितनी होगी? आप इसके लेंथ रहेगी सर, ये 70 फीट लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई और 16 फीट हाइट। जो 70 फीट है इसकी लेंथ, जो यहाँ से वहाँ तक 70 फीट, और आपने यहाँ पर ये दो बनाए हैं? हाँ जी सर, दो साइड हैं, तो मतलब एक एक 15-60 का एक रूम है सर, जिसमें 10 फीट के आगे गैलरी रहेगी। ओके ओके। तो और जो ये रैक आपने इतने ज़्यादा, जैसे ऊपर तक मैं देख पा रहा हूँ, ऊपर तक आपने रैक लगाया, तो इनको तोड़ने के लिए फिर कहाँ से? वो उधर से स्टेयर है सर। अच्छा, स्टेयर बनाई गई है, तो वहाँ से ऊपर से अलग तोड़ सकते हैं इसको। तो मतलब मैंने कई फार्म के अंदर देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रैक, दो रैक, तीन रैक, मैक्सिमम 5 रैक होते हैं, वो सिर्फ उसी हिसाब से लगाते हैं ताकि आप उसको अच्छे से उसको तोड़ पाएँ, चुन पाएँ। लेकिन इन भाई ने ना जगह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, जितने रैक नीचे इतने ही, मतलब दो माले के तौर पे इन भाई ने बना दिया। तो यहाँ पर ये मेरे को अच्छा लगा कि आप थोड़ी सी ज़मीन के अंदर ही आप ज़्यादा फसल ले सकते हैं। तो अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे ये जो इसके अंदर जो खाद है ये किस तरीके से बनाई जाती है? ये मिट्टी है या कोई वो है? नहीं सर, ये एक्चुअली है नारियल का बुरादा, जिसको हम केसिंग बोलते हैं। ओके, ये और इनमें इंग्रेडिएंट मिलता है, जैसे जो धान की राख होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो इसके अंदर मिक्स करके, वो इसके अंदर मिक्स कर दे, ये होती है लास्ट स्टेज मशरूम। तो ये नारियल का बुरादा होता है और जो धान होता है उसकी जो उसकी राख, धान की राख और नारियल का बुरादा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो इसकी मिट्टी नहीं है, ये एक तरह का खाद ही है जो जिस इसके अंदर यूज़ होता है। इसकी टाइमिंग क्या रहती होगी, मतलब एक फसल कितना टाइम लेती है? एक फसल एक्चुअली सर, जैसे बैग रखने से और बैग बाहर निकालने तक 70 दिन का, 65-70 दिन का वो रहता है टारगेट। तो अभी तक आपने इसमें से कितनी बार फसल ले चुके हैं? अभी इस रूम से दूसरी बार ले रहा हूँ। दूसरी बार, तो सर मतलब वैसे बोलते हैं कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने जैसे 70 दिन में आपने कितने क्विंटल का उत्पादन एक इस स्टोर से किया? मैंने पिछली बार इस रूम से सर 4 से 4.5 टन मान लिया। दोस्तों यही फर्क होता है, इन भाई ने अगर ये 4.5 टन के आसपास इन्होंने माल निकाला है, अगर कई भाई क्या करते हैं 5 रैक लगाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं बढ़ाते हैं, तो इसी एरिया के अंदर से कई भाई कितना निकालते हैं, मैक्सिमम 2 टन, लेकिन इन भाई ने इसी से 4.5 निकाला है। रीज़न, इन भाई ने रैक की जो मतलब ऊंचाई है वो बढ़ा दी है, रैक को ज़्यादा मतलब क्वांटिटी रैक की ज़्यादा बढ़ा दी, इस वजह से उत्पादन ये ज़्यादा ले पा रहे हैं। तो अजय भाई अब एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर जो इतनी कूलिंग है, कितने एसी लगाए हैं आपने इसके अंदर? इसमें मैंने 5.5 टन के 2 एसी है इस रूम में सर। एक रूम के अंदर 5.5 टन के 2 एसी और टोटल एसी 4 एसी है मतलब? हाँ जी, टोटल एसी 4, क्योंकि आपने बताया एक साइड और है ना इसी तरह की। बिल्कुल। तो बिजली का खर्च कितना आ जाता होगा? बिजली का खर्च आ जाता है सर 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार रुपये मंथली बिजली का खर्च आता है, क्योंकि फ्रेंड्स भाई ने थोड़ा सा, मैंने जैसा कि बोला कि जो सेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने के लिए इन्होंने भाई ने रैक ज़्यादा लगाए हैं, तो कूलिंग भी उसी हिसाब से रखनी पड़ती है। अब 5.5 टन के 2 एसी भाई ने लगाए हैं यहाँ पर, तो इतना तो बिल बनता ही है, और 70 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स सीधा सा एक हिसाब किताब बैठता है कि 2 महीने के अंदर आपके कम से कम 1.5 से 1.5 लाख रुपये के आसपास तो आपका बिल आएगा।
तो अजय भाई, जो ये एसी हैं, आपने, मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपने सीधे तो लगाए नहीं यहाँ पे कोई भी एसी सीधे तरीके से, तो विंडो एसी तो आपने ऐसे लगाए नहीं, तो ये कूलिंग का सिस्टम कहाँ से आ रहा है आपने ये कहीं? क्योंकि ना तो एसी दिख रहा है ऊपर से ही, एक ये जो जो पन्नी है वो दिख रही है, उससे उसको कैसे किस तरीके से किया आपने? ये सर एक्चुअली एक तरफ हमने एसी लगाई है और उसके आगे डक्टिंग लगा रखी है जिससे प्रॉपर कूलिंग आए पूरे रूम के अंदर। ओके, तो दोस्तों भाई ने ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत से फार्मिंग के अंदर देखी कि वो क्या करते हैं, एक विंडो जैसे एक होल बनाते हैं उसके अंदर विंडो एसी लगा देते हैं और सीधी कूलिंग आती है। लेकिन इन भाई ने क्या किया है कि यहाँ पर दो एसी को लगाकर इकट्ठे, और एक डक्ट बनाया गया है और उसके सामने एक फ़ैन लगा के, और ये एक प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उसको लगाया गया है, और उसके अंदर छोटे छोटे छेद किए यहाँ पर, उन छेदों के हिसाब से ही यहाँ पर कूलिंग नीचे की तरफ आ रही है। ये अच्छी चीज़ है। तो अजय भाई जी, अब जो एक सवाल जो मन में है वो ये है सीड के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो इसके अंदर ये कि ऐसे तो है नहीं कि सीधा ही उग जाता हुआ, तो इसका जो सीड है वो कहाँ से लाते हैं और कितने रुपए केजी आता है, और उसको कितना, जैसे आपने ये अब जो एक सेट बनाई है तो कितना इसके अंदर डलता है, ये कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर एक्चुअली इसके बारे में अपने पास जो सुपरवाइजर है भैया वो देख रेख करते हैं, वही डालते हैं। अच्छा जी, मतलब तो आप यहाँ पे रहते हैं लेकिन देख रेख कोई और भाई करते हैं? हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ की जो देख रेख करते हैं जो सुपरवाइजर हैं वो हैं जगदीश भाई, जो अभी हमें बताएंगे कि इसके अंदर कितना सीड वगैरह डलता है, कितना कुछ। एक्चुअली भैया जगदीश भाई आप कहाँ से हैं? मैं सर ये उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, तो भाई मतलब ठंड से ही आए हैं और ठंड के अंदर ही आके बैठ गए हैं, उत्तराखंड में तो ठंडी होती ना, तो यहाँ पे आए हैं। तो इन्हीं भाई से पूछते हैं सीड के बारे में। तो भैया जो मेन मेरे को पूछना है अभी फ़िलहाल सीड के बारे में, क्योंकि जो ये जो यहाँ पे जो खाद ये जो मिट्टी है इसके बारे में उन भाई ने बताया कि इसके अंदर नारियल का बुरादा डलता है और जो ये धान होता है उसकी राख डलती है। तो अब मेरे को सीड के बारे में जानना था कि जो इसका सीड है अभी ये जो फिलहाल कितने पोलथीन लगे होंगे एक साइड के अंदर? ये जी इस टाइम तो इस कमरे में है 2700 पोलथीन। इस कमरे के अंदर 2700 पोलथीन है, और लगभग जैसे मान के चलिए एक पोलथीन के अंदर, या फिर चलो पूरी साइड की बात कर ले, तो कितना केजी सीड डलता होगा? ये जी 6.5 क्विंटल मान लो टोटली। 6.5 क्विंटल सीड्स इसके अंदर डलता है? अच्छा जी, तो मतलब एक पोलथीन के अंदर लगभग कितनी रिक्वायरमेंट? पूरा अंदर तक मिलाया जाता है या ऊपर ऊपर डाला जाता है? ये खाली 1.5 इंच बस। सिर्फ 1.5 इंच ही डाला जाता है, ऊपर मिला के छोड़ दिया जाता है? अच्छा जी, और उसके बाद ये निकल आते हैं। तो मान के चलूँ अगर ये एक पोलथीन मतलब कितने केजी वाला होगा? ये होगा 9.5-10 किलो का। 9.5-10 किलो का है, और इसके अंदर सीड कितना डलता होगा? ये 1 किलो। 1 किलो एक पोलथीन के अंदर? वाह जी वाह। तो दोस्तों ये 10 केजी का एक पोलथीन है, ये मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो छोटे लेवल पे करना चाहते हैं। ये जो है 10 केजी का एक पोलथीन होता है, और 10 केजी के पोलथीन के अंदर थोड़ी सी ये जो राख है और नारियल का बुरादा डाल के उसके अंदर 1 केजी सीड इसके अंदर डाला जाता है। 1 केजी सीड डालने के बाद फिर इसकी जो ग्रोथ है वो, जैसे अभी जो अजय भाई वो बता रहे थे 70 दिन के अंदर, जैसे मतलब पोलथीन में डालने से लेके और निकालने तक का 70 दिन का टाइम रहता है। तो इसके अंदर जो सावधानियां क्या होनी चाहिए भाई, जैसे हमने जब सीड डाला तो इसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए? वो तो सर कि हम अपने ही बैग के हिसाब से कि हमारा बैग क्या पानी मांग रहा है, कितना पानी मांग रहा है, हल्का मांग रहा है या तो मतलब मांग रहा है, मतलब कोई हिसाब नहीं इसमें। ओके, मतलब इसको इसको बस देखिए दोस्तों मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे ड्राई ये ड्राई है, मतलब बुरादा टाइप है। हाँ। तो चिपचिपा नहीं होगा, बिल्कुल चिपका के ऐसे उस चीज़ को ऐसे नहीं होगा, लेकिन एक सीलन सी होते ना, क्योंकि ठंड तो वैसी है, पानी तो वैसे ही कम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से यही बात है कि इसको सिर्फ इतना ड्राई रखिए कि ये देखिए दोस्तों, तो इतनी दिक्कत ना आए। तो अब जो सावधानी की बात कर रहा था मैं, सावधानी क्या होनी चाहिए इसके अंदर जो आपको लगता है कि ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आ सकती है? सर ये कि पहली बात तो हमें इस प्लांट में पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए। अच्छा जी, साफ सफाई? हाँ साफ सफाई, वो क्यों बहुत जरूरी है? मतलब कि ये जो ऐसी फसल होती है कि बहुत ही कच्ची फसल है, इसमें एकदम क्या ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन आता है मतलब कमरे के अंदर। ओके, हाँ कमरे पूरी की साफ सफाई, बाहर से आओ हमारे शरीर में क्या इन्फेक्शन है क्या है, बाहर हमारे वो रखी रहती है मेडिसिन, पैर डुबो उसमें फिर अंदर आते हैं। सुना दोस्तों, जो सबसे इसके अंदर सावधानी रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें
इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और आपको भी पता होगा दोस्तों, कहीं भी कोई बदबू हो या कोई कीट कीटाणु या कोई कुछ भी, जब कोई दिक्कत होती है तो वो जहाँ पे सीलन होती है ना, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा होती है। कभी आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज़ के अंदर दिक्कत आती है तो उसको धूप के अंदर सुखा दिया जाता है, उसमें वो दिक्कत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे तो धूप आ ही नहीं सकती है, तो इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसके अंदर एंट्री करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने हाथ पांव धोकर या अच्छे से यहाँ पर एंट्री करें, क्योंकि ताकि बाहर की कोई गंदगी या कोई इस तरह की कोई चीज़ आप अंदर ना लेकर आएं। जो ये कितने दिन के अंदर तैयार हो जाता है, ये जैसे अभी हमने डाल दिया, इसके अंदर सीट डाल दिया है, तो कितने दिन के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाता है? लगभग 40 दिन का वो रहता है इसका। 40 दिन हाँ, बैग अंदर रखते ही, बैग रखने के बाद 40 दिन, मतलब 70 दिन का टाइम है। 70 दिन में हम इसे बाहर खाली कर देते हैं, लेकिन 40 जो दिन है, 40 दिन के अंदर, हाँ 40 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम फसल तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और एक ही पॉलिथीन के अंदर से कितनी फसल ली जाती है, मतलब कितनी बार इसको तोड़ सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड फल, तीन फलस आते हैं इसमें। ओके, एक फलस आ गया अपना, एक फलस आने के बाद फिर इसके जो वो है जड़बड़ है, थोड़ी बहुत चीज सफाई वफाई खड्डे जो होते हैं उसमें थोड़ी ये खाद को डालते हैं, नारियल को केसिंग बोलते हैं उसे, केसिंग को ये कि डालने के बाद फिर आता है सेकंड फलस। सेकंड प्लस के बाद एक प्लस और आता है, डबल प्लस। फिर हम तो लगभग मान के चलिए कि एक पॉलिथीन से आप तीन बार फसल लेते हैं। हाँ जी, जो तीन फॉल आते हैं इसके अंदर, तीन फॉल आने के बाद इसमें से इसको खाली कर दिया जाता है। तो एक पॉलिथीन से आप लगभग ये मान के चलिए 3 kg, 2 kg, 2 kg, तो मतलब आप तीन बार के जो एक बार में 3 kg या तीन बार खाली होने तक, खाली होने तक, मतलब अगर आपने एक पॉलिथीन रेडी किया है, अगर आप घर पर भी लगाना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आप 2 kg मशरूम उगा सकते हैं एक पॉलिथीन से, जिसमें 10 kg ये इसके अंदर ये खाद वगैरह, 10 kg का ये पॉलिथीन है तो ये खाद वगैरह डलता है, और 1 kg सीड, तो आपको मिलेंगे 2 kg मशरूम। तो ये इसका प्रोसेस है। और अब जो मेन बात है, एक चीज़ और है जो आप शायद दिमाग में चल रही होगी बहुत देर से, अगर आप किसान भाई हैं तो और मेरे भी दिमाग में चल रही है। सर, जो ये अब ये फसल तैयार हो गई है, इसके बाद इसका ये सब कटाई हो चुकी है, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, अब ये सिर्फ खाली बुरादा है, इसको क्या दोबारा से इसी खाद को तैयार किया जाता है या फिर अलग से? ना, अलग से सर फेंक दिया जाता है इसको। ये खाद ही फेंक दिया जाएगा? हाँ, ये अब फिर उसके बाद कोई काम नहीं है? नहीं नहीं। क्यों सर, इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, इसको दोबारा तैयार नहीं कर सकते? नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर फिर ये इन्फेक्शन आ जाता है लास्ट तक। तो फिर सर, ये जो फिर इतना सारा खाद होता है, जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पे 2800 पता नहीं कितने कुछ आप पॉलिथीन बोल रहे हैं, अब इतने सारे पॉलिथीन को तो फेंकने का कहाँ, फिर क्या आप बोलते हैं कि इसके अंदर इन्फेक्शन भी होता? तो फिर वो खेतों में फेंक देते हैं, यहाँ से हट के, फार्म से हट के, मतलब यहाँ पर दिक्कत है इसके अंदर रहेगी तो, लेकिन बाहर खेतों में डालने से इसका कोई नुकसान नहीं, उसमें फायदा है ना खेतों के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, खेत मतलब ये कि खेत में भी डाल सकते हैं, तो खेत में भी डाल सकते हैं इसको, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट होने वाला है। पहली बात, मशरूम जो आपके हैं वो तैयार हो गए, उसके बाद ये जो खाद बचती है इसको आप खेतों में डाल देंगे तो वो जो फसल है जो आप ले रहे हैं उसके अंदर भी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों नेचुरल खाद से अच्छा कुछ नहीं होता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, लगभग मेरे ख्याल से जितनी जानकारी होती है मैंने पूरी कलेक्ट कर ली यहाँ से, और मेरे ख्याल से आपको मिल भी गई होगी, क्योंकि मेरे को लगता है अब इससे ज़्यादा और क्या जानना होता है, क्योंकि मेन अपने को क्या होता है, इसको ठंड के अंदर रखना होता है, टेम्परेचर 16 से 17 के आसपास होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉलिथीन बनाकर इसको डाल सकते हैं या फिर सीधी लेयर भी बनाकर डाल सकते हैं। सर, एक चीज़ है जो बहुत से फार्म के अंदर मैंने देखा कि पॉलिथीन ना रखे एक लेयर डाल जाते हैं, बेड बना जाता है, वो क्या चीज़, उसमें कोई दिक्कत? नहीं नहीं, उसमें तो सर मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपने यहाँ पे जैसे ये अप्लाई किया फार्मूला वो नहीं किया था ना, ये हर आदमी अलग अलग वो करता है फार्मूला, नहीं कोई मतलब बैग से करता है, कोई वैसे करता है बेड से, नहीं मतलब ये आपने ऐसा क्यों, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में यही क्यों? ये ज़्यादातर बेड वाला जो ये सिस्टम है बैग वाला, ये हर कोई ही यूज़ करता ज़्यादा, जो बेड वाला सिस्टम है वो क्या बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो दोस्तों, जगदीश भाई से इतनी जानकारी मिल गई है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, तो जगदीश भाई से अब हम इजाज़त लेते हैं, और थोड़ा जो और भाई है अजय भाई बताएंगे इसके बारे में, जो सैड के बारे में, वो आपको टोटली खर्च वो भी बताऊंगा किस तरीके से, अगर छोटे लेवल पर आप करना चाहते हैं तो आगे बात करते हैं, और जगदीश भाई से इजाज़त लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जगदीश भाई आपसे ये पता करके, आपके हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं जगदीश भाई, तो यहाँ पर ठंडी इतनी है और मेरे को भी कंपकंपी लग रही है जैसे कि मैं पहले बोल रहा था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अजय भाई यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आ गए हैं, शायद ये खाद को देख रहे थे, पता नहीं शायद यहाँ पे ये खाद ये वही है जो अंदर से लाई गई है। तो अजय भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप खेती भी करते हैं? जी सर। तो खेती करते हैं तो फिर उसमें यही खाद यूज़ करते हैं या फिर इतना ज़्यादा खाद हो जाती है आप बेच भी देते हैं? नहीं, बेच भी देते हैं और एक्चुअली मैं खेत में भी डाल देते हैं, क्योंकि इतना सारा खाद तो नहीं डाल पाता मेरे ख्याल से। हाँ, बेच देते हैं, कुछ बचता है वो, बाकी ज़्यादातर खेत में डाल देते हैं। और अजय भाई, एक इस खाद को देखकर मेरे को याद आया, अंदर जगदीश भाई से बात कर रहा था, उन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पर हम पॉलिथीन ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा था कि बैड क्यों नहीं यूज़ करते, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय ये है, अपना पॉलिथीन यूज़ करते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट ये रहता है, कल को अगर इन्फेक्शन आ जाए तो आप उस पॉलिथीन को बाहर निकाल सकते हैं, बट बेड के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है अजय भाई, कि अगर शरीर के एक हिस्से में बीमारी आ जाए तो उस हिस्से को वहाँ से ठीक किया जाए, ना कि पूरे शरीर को ही। तो यही चीज़ है, अगर बेड पर आप पूरा एक लेयर में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बीमारी ज़्यादा आ जाए तो पूरा पूरा बेड में दिक्कत हो जाती है, और लेकिन अगर पॉलिथीन में है तो उस पॉलिथीन के अंदर जिसके अंदर भी इन्फेक्शन आया है, दिक्कत आई है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब ये जो सवाल है, ये जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे किसान भाई हैं, उनके लिए अगर कोई भाई इसको करना चाहता है और लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, तो आपने यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का भी कुछ किया है? हाँ जी, वो जब मर्जी आके हमसे मिल सकते हैं। अच्छा जी, तो आप बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि अगर कोई भी किसान भाई इसको करना चाहता है और स्टार्टिंग में वो अपनी पूंजी का रिस्क नहीं लेना चाहता एकदम से, क्योंकि बिना सीखे किसी चीज़ को करना बहुत गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये भाई ट्रेनिंग भी यहाँ पर देते हैं, तो आपको जिस भाई को भी ये करना है, जो भी भाई इसमें इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पर आकर इन भाई से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर, उसका कोई चार्जेज रहेगा? नहीं सर, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट। भैया फ्री ऑफ कॉस्ट, अजय भाई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको करेंगे, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है, और ये अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों, अजय भाई का नंबर और गांव का नाम और जो इनका पता है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डाल दूंगा। और रही बात ट्रेनिंग की, तो आप यहां पर आकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अजय भाई से इजाज़त लेते हैं। तो अजय भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपका जो ये बोलने का, जो बताने का जो तरीका है, वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पर मैं गया हूँ, कई बार क्या होता है, या तो उनके पास नॉलेज की कमी होती है या फिर वो भाई उतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन मेरी तरफ से, मतलब आपकी तरफ से मेरे को ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, और शायद आपको भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से सभी जो जानकारी से रिलेटेड है वो सारी की सारी शेयर हो गई आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए PS वैली।